वो सूर्या जहाँ कहीं भी उसे ढूंढ कर उसकी गर्दन पकड़ कर मेरे पास ले आओ। जाओ पानी पी लो। थैंक्स। चल हे भगवान, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है तू? आराम से बात कीजिए पिताजी। अब काहे का आराम, तुम दोनों के बाद ही नसबंदी कराता तो अच्छा था, इसका तो कम से कम जन्म ना होता। मेरा आराम हराम हो गया है, अब मैं कहीं का ना रहा। मेरी माँ ने उसी वक्त कहा था, अगर तेरे यहाँ तीसरी औलाद पैदा हुई तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये बात तेरी माँ ने नहीं सुनी और मेरी माँ की बात का विरोध किया और तू पैदा हो गया। पैदा होते ही इसने आँख खोली और मेरी माँ ने आँखें बंद कर ली। आपकी माँ उस वक्त क्या 16 साल की बच्ची थी? 100 साल के होने के बाद ही तो मरी थी। चुप कर, पैदा होते ही दादी को मार दिया, अब हमें मारेगा? अब चुप रहो जी, क्यों हमेशा आप इसके पीछे पड़े रहते हो? तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा क्या करता है? सर, मेरा दोस्त और एक लड़की, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सर, प्यार करना गलत है क्या? प्यार करना महापाप है क्या? नहीं, कभी नहीं। बैठो। थैंक यू। इस 21वीं सदी में ये एक मामूली बात है, सबको प्यार करना चाहिए। तुम प्यार करो, तुम प्यार करो, तुम भी प्यार करो। मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, ये करती है कि नहीं मुझे नहीं पता। क्या तकलीफ है? मेरे पति समझते ही नहीं है साहब। तो तुम अपने पति से प्यार करो, तुम्हारी तकलीफ क्या है? वो क्या है, उन दोनों की जात पात अलग है साहब। क्या बकवास है, इस हाईटेक कलयुग में जात पात की बात करते हो? वाह 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 वाह, क्या बात कही है सर। कुछ दिनों पहले मदर टेरेसा ने यही बात अंग्रेजी में कही, आज अपने हिंदी में बता दी। लेकिन क्या फायदा, आपकी तरह का बड़ा दिल उसके बाप के पास नहीं है साहब। वो इस शादी में रोड़ा बन के बीच में खड़ा है सर। गोली मारो उसे, ऐसे आदमी को टपका देना चाहिए। सर, आप जैसा डेरिंग डैशिंग ईमानदार पुलिस ऑफिसर इस डिपार्टमेंट में दूसरा नहीं है सर। इसलिए आप मेरे दोस्त की शादी आप खुद यहाँ मौजूद रहकर अपने हाथों से करवाइए सर। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जैसे नौजवान की देश को जरूरत है, मेरे जैसा इंस्पेक्टर समाज को चाहिए। चाहे जो कोई भी आ जाए, मुंबई का भाई आए, जो कोई भी बीच में आने दो, मैं इस शादी के पक्ष में हूँ, कहीं और नहीं। यहाँ मेरे शुभ हाथों से शादी इसी गांव में होगी, समझे? आ जाओ आ जाओ। वेलकम माय डियर यंग मैन, वेलकम। थैंक यू सर। ये क्या है? मीडिया सर, ई टीवी, जी टीवी, स्टार टीवी, न्यूज़पेपर, ये सब हमारे रिश्तेदार है सर। मान गया तुमको, तुम मामूली बंदर नहीं हो, इतनी अच्छी तैयारी की है। ये तो आपका अच्छा है। ये हमारे गांव के सरपंच, जिलाध्यक्ष, वीडियो साहब। सर, आपने तो मुझसे भी अच्छी तैयारी कर रखी है। नहीं कहा, पुलिस स्टेशन में शादी मतलब FIR की तरह मजबूत होनी चाहिए। बेटा, वो दूल्हा दुल्हन कहाँ पर है? वो है साहब, मैं तो भूल ही गया था।
ये क्या बेटी, सिर झुका कर नहीं आते। आज के दिन जात पात के बंधनों को तोड़ कर शादी कर रही हूँ, इसलिए गर्व से अभिमान से सिर उठा कर चलो बेटी। सांची बोल रहे हैं, सिर उठा लो बेटी। अरे मुझसे क्या शर्म, पिता समान हूँ, तुम्हें अपनी बेटी माना, तुम्हारा कन्यादान करूँगा। वाह, सिर उठाओ बेटी। साहब बेटी की तरह नहीं, आपकी ही बेटी है। डैडी कंचन। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की आपकी बेटी है क्या? अरे ये आदर्श विवाह आपकी बेटी का है, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? वो क्या है, पब्लिसिटी साहब को पसंद नहीं है। अच्छा, आप जैसे पुलिस वाले हर थाने में होना चाहिए। पुलिस वाले सिर्फ पत्थर दिल नहीं होते, उनके अंदर एक पिता का दिल भी होता है ना। ये तो हमारा भाई साहब, मानना पड़ेगा आपको, सच में आपने महान कार्य। अंकल अंकल, आपकी महानता देख मेरा तन मन खुशियों से भर गया है। बहुत खुश हो रहा है ना, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब देर क्यों, शुभ काम हो जाए। ओके ओके, हाँ कह दिया ना पंडित जी, आइए आइए। हाँ दीजिए हार इनके हाथ में, ये लीजिए सर, ये दोनों एक दूसरे के गले में हार डालेंगे सर। ए हार डाला रे, चलो बजाओ तुम। ए चल अब जरा मुस्कुरा कर इनको आशीर्वाद दीजिए। ये तो शादी करवा के निकल गया और मैं पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया। मुझे ये बताओ, तुम सूर्या को कब से और कैसे जानते हो? 1985 में पैदा किया था साहब, तभी से जान पहचान है। झूठ बोलना, धोखा देना, झूठ बोल के शादी करवाना, इन सब की ट्रेनिंग तुमने उसे दी है ना? मैं तो सोचता था बड़ा होकर विवेकानंद बनेगा, लेकिन वो तो वीरप्पन बन गया। चुप रहो, वो तुम्हारी वजह से एक खतरनाक मुजरिम बन गया है, ये मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। तुम उसके गुरु हो। क्या मूछे हैं? क्या हुआ साहब? तुम क्या अपने आप को डाकू मानसिंह की औलाद समझते हो? नीचे करो मूछे, नीचे करो। नीचे कर दी साहब, नीचे कर दी। फिर कभी इसे ऊपर करोगे तो? नहीं साहब। सीधा ऊपर पहुंच जाओगे? अच्छा, ये लुंगी ऊपर करके क्या अपने आप को जेम्स बॉन्ड की तरह हॉलीवुड का हीरो समझते हो? निकाल के आप रुको, नहीं पहने रखो, पहने रखो। तो अब बताओ, सूर्या को मुझसे दूर कहाँ छिपा के रखा है? मैंने उसे नहीं छिपाया साहब। तो वो मुझे मिलता क्यों नहीं है, बताओ? अगर पता चल गया तो मैं उसे पकड़ के आपके चरणों में डाल दूंगा साहब, कमीना। अगर अपना बेटा समझकर छोड़ दिया, पता नहीं कितने थोपड़ा तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। किसको कहता है सर फिरा? उसने मेरी बेटी की शादी करवा दी। वो आपकी? हाँ, मेरी बेटी की शादी करवाई। उसकी इतनी हिम्मत? 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ, वो जहाँ कहीं भी हो उसे मेरे सामने लेकर आओ, नहीं तो हवलदार। यस सर। स्टेशन में और कोई केस है? आदर्श नगर में चोरी का केस है सर। और केस? बहराम बाग में दारू की भट्टी। कोई और? लोखंड वाला मर्डर केस सर। सुन रहा ना, ये सारे केस मैं तुझ पर लगा कर तुझे अंदर कर दूंगा। सर मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ सर। ए सर, वो नेहरू नगर वाली 80 साल की बुढ़िया का रेप केस है ना, उसको भी इसके ऊपर लगाकर ठोक दो, तभी इसकी इज्जत और बढ़ेगी। अपने पिता की बात सुन। अब उसके बारे में सोचना बंद, पहले इसके बारे में सोचना होगा। अब ये इस गांव में रहा तो मुझे गांव छोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं रहूंगा तो इसे बाहर भेजना पड़ेगा। फिर आप ही चले जाओ। मैं नहीं जा रहा हूँ गधे, तुझे भेज रहा हूँ। बड़ी रकम देकर कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाया, जाओ जाकर अपना सामान लाओ। मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं गए तो हम सब अपनी जान दे देंगे। सुन बेटा, संभल कर रहना, जिस शहर में तुम जा रहे हो वहाँ दादागिरी बहुत होती है, हमारा किसी लफड़े मत फंसना, दिमाग से काम लेना, समझ गया ना मेरी बात? ठीक है, मैं लफड़े में नहीं जाऊंगा, पर अगर किसी ने मुझसे पंगा लिया तो? बस यही गंदी आदत है तुझ में, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करना। ठीक है, सब समझ गया। भगवती सच में मर गया। फिर से बोल, क्या बोला तूने? किसी ने टपका दिया। ए, फिर से बोल, जोर से बता। भगवती टपक गया, मैं खुद देख कर आ रहा हूँ, उसको किसी ने टपका डाला। कहाँ है, कहाँ है उसकी लाश? उसकी लाश को मैं अपनी आंखों से देखूंगा, कहाँ है? नीचे उतार से। भाई भाई, भगवती की लाश भाई। मुझे मारने चला था, आखिर में कुत्ते की मौत मरा,
लावारिस कुत्ते की तरह लाश गिरी पड़ी है रे, देख रे देख। ए, इस शहर में सबसे पहले मैंने चाकू हाथ में पकड़ा, मेरी दादागिरी चली, मैंने इस शहर में दहशत फैलाई, इसने मुझे मारने की बात दिमाग में सोची। किसी भी राज्य में सिर्फ एक ही राजा का राज होता है, अब इस शहर में सिर्फ हमारी हुकूमत चलेगी, हमारी हुकूमत। भगवती मर गया, हाँ मस्तान बादशाह बन गया, मस्तान बादशाह बन गया, बादशाह बन गया। इस मस्तान का नाम सुनते ही अब शहर वालों की बोलती बंद हो जाएगी, मुर्दे मुर्दे भी डर कर अपना मुंह खोलेंगे। आ! 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 भगवती भगवती भगवती, ये भगवती वो बाला है जिसकी लाश के पास आते ही लोगों के पैर कांप जाते हैं और उसके नजदीक आते ही सर्वनाश हो जाता है। तूने भेजा था ना महमूद पठान को मुझे मारने, येड़े रामपुरी चाकू रखने से कोई भाई बन जाता है क्या? तलवार ऐसे निकाल के इस तरह डर गया इस तरह डर चेहरे पे दिखना चाहिए, ये डर ही मेरी जागीर है। इस भगवती को देखकर सिर्फ इंसान ही नहीं ऊपर भगवान भी डरता है। इसलिए अर्थी परसों का लाश बनकर मेरे इलाके में आया, अबे तो जैसा डरपोक के शहर में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। डरपोक कौन है ये अभी पता चल जाएगा, तू है या मैं? चल मैदान में चला जा, तू तो सिर्फ पीठ पे वार करता है और मैं सामने से टपक। ये सब बच्चों का खेल है, हम दोनों मिलकर आज आसान सा मजेदार एक छोटा सा खेल खेलते हैं, तेरे मेरे बीच मौत का खेल। तेरी लाश देखने के लिए मैं कोई भी खेल खेलने को तैयार हूँ, आ जा। इस रिवॉल्वर में 5 मौतें और 1 जिंदगी, चलो अब देखते हैं किसे क्या मिलता है। पहला मौका तेरे को दिया। मैं तो बच, अब तेरा क्या? अभी इस रिवॉल्वर में 5 जिंदगी और 1 मौत है, अब मेरा मौत, देखते हैं तुझे क्या मिलता है मस्ता। टपक क्या ये, भाई बनने चला था, भगवती से पंगा लिया, उठा के फेंको इसकी लाश और बजाओ बाजा। इसका भाई भाग रहा है, पकड़ उसे। जाओ पकड़ इसको, भाग रहा उसको, भाग ना पाए, सोना नहीं। मैं तो इस शहर में नया हूँ, कॉलेज में पढ़ने आया हूँ, आप कौन है मैं नहीं जानता, आप दोनों के बीच मुझे नहीं पढ़ना, चलता हूँ। नजर ना लगती। थू थू पापा।
बिटिया। पुण्य से पति मिले, पूजा से संतान मिले। मेरा पुण्य तो नाश हो गया जो पति ऐसा मिला, बेटा ऐसा कि पूछो मत। क्या माँ शुरू कर दिया कोसना? ऐसा कर जीते जी चेहरे पे हल्दी, मुंह में तुलसी डालकर अर्थी पर लिखा दे, कर आया गलत काम, आज किसका सर्वनाश किया। इस बात से घर में किसका जनाजा उठेगा, पता नहीं क्या होगा। माँ अभी बंद करेगी तो अपनी बकबक। तूने दवा पिया कि नहीं? ऐसी दवा लेने से क्या फायदा, जो तन को लगे ना मन को, लंगड़े घोड़े को दौड़ने को कहते हो। जब शरीर मजबूत था तो तुमसे भी ज्यादा गुस्से में शहर के चक्कर काटते थे, पत्थर फेंकना, चाकू से मारना, जो भी सामने आए उसे पीट देना। लेकिन क्या हुआ, अपने बेटे बहू को खो दिया, पुराने पापों की सदा भुगत रहे। ए माँ, तेरे से बात करना बोले तो मुसीबत मोल लेना। चा, चा। क्यों दत्तू, क्या हो गया? इन्हें ठंडी लग रही है, शॉल या कंबल दूं? क्या दत्तू, सर्दी लग रही है, कंबल ओढ़ना है क्या? ये क्या बोल रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। हटो यहाँ से। क्या हुआ, यमदूत आया है क्या तुम्हें लेने? जाओ 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 यहाँ से, चलो जाओ, थोड़ा पानी डाल दे मुँह में। ए? पापा पापा, कल टीवी में सिनेमा आया था, उसमें ना बिपाशा को देखा। हे भगवान, पैर कब्र में लटके हैं, भगवान का नाम लेने की जगह चुड़ैल के सपने देखते हो, इस उम्र में बिपाशा के सपने देखते हो। हाँ माँ जी, बिपाशा ने श्रीदेवी ने बारिश की बात कर रहे हैं, है ना बाबूजी? बारिश आई कहाँ है और कुछ। बेटी माधुरी, बारिश आने वाली है, ऊपर छत से कपड़े लेकर आ जाओ। अपने बॉस का स्टाइल तो देख। लो आ गया। साइकिल पर हेलमेट, कमाल है यार तेरा। बाइक हो या साइकिल, एक्सीडेंट हो सकता है, तेज दिमाग, इसलिए सेफ्टी। क्या दिमाग है? छोड़ दिमाग को, उस रंगीली को देख, आंखों से मजा ले ले। उधर देख भाई, क्या आइटम आ रही है। ए छोकरी, इधर इधर इधर। ए छोकरी, नाम क्या है तेरा? ए इधर आ, भाई को अपना नाम बताना। श्री 1008 दुर्गा सुंदर भवानी रुद्रा विजय ब्रह्म कुमारी। ये नाम काफी लंबा है ना, इसलिए सब मुझे शीलू बुलाते हैं। तुम नाम बता रही हो या फिल्म की स्टोरी सुना रही हो? लाओ किताब दो। लो लो। ये क्या है जानू? काक का पंख। क्या पंख? काक का। पीठ में खुजली करने के लिए? नहीं जी, किसी की नजर मुझे ना लगे इसलिए। हाँ, इस तरह कौवे का पंख बिल्ली की तुम कॉलेज में लेके नहीं आते, ला रहे टिफिन दे। ये क्या है? करण जी, जलेबी, पकौड़ी। चुप, मैं सब जानता हूँ, ये रिसेस का लंच है। नहीं जी, मंचिंग। क्या मंचिंग? फिर पानी कहाँ है? पानी 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 पानी। अरे समझ में नहीं आया, पानी मतलब पीने के लिए, पानी का मतलब कुछ और मत सोचना। अरे नहीं नहीं, पानी ही है, बस एक क्वार्टर दवाई मिलाई है। एक क्वार्टर दवा मिला दी? लेकिन ये तो आधा ही है, बाकी आधा सुबह मिला था ना। ओके ओके, नहीं समझे। ओके बेवड़ी माता जी। अच्छा बेवकूफ बनाया, वो रैगिंग करते रह गए और मैं अपना झलक दिखाकर चली आई। ये कौन है, सिल्वेस्टर स्टालिन की तरह यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है या पढ़ाने के लिए आ रहा है? इसकी बॉडी देख के लगता है ये किसी फिल्म का हीरो है। जिनका शरीर बड़ा होता है उनका दिमाग कम होता है। तुझे कैसे पता रे? दिमाग बड़ा, तेरा शरीर छोटा है। क्या पहचाना तूने? इस गांव के गंवार की अच्छी तरह खबर लेते हैं। ए चल इधर आ। मुझे पुकारा? ए चल इधर आ। क्या बिल्ली की चाल की तरह चलता, चल दौड़ क्या, कम कम होश। क्या रे, कॉलेज में नया नया है, इतना लंबा, मैं इसके सामने कितना छोटा हूँ। क्या रे, कॉलेज में नया रंग रूट है क्या? हाँ भाई, आज मेरा पहला दिन है। देख लल्लू, ये फूल ले, वहाँ जो लड़कियों का गैंग है ना, उसमें जो लाल ड्रेस वाली लड़की है ना, अरे भाई तरफ दिख रही है ना, उसके बालों में फूल लगा क्या? अगर नहीं किया तो? नहीं लगाएगा तो मार खाएगा, ले ले जा बाय। डर लग रहा है भाई। ए मार खाएगा क्या, चल जा। जरा एक किताब पकड़ ले। तू जा, ये डर गया अब, मर गया, ये डर गया अब। क्या हो रहे? कोशिश की थी भाई। कोशिश की थी, फिर से जाओ, फिर कोशिश कर, जाओ। अरे भाग रे भाग, कहीं से भी गिरा हो लेकिन बिल्कुल निशाने पे।
ये कौन है रे? सीधा भगवती की बहन की चोटी पर फूल फेंक कर लगा दिया। अच्छा हुआ बैजू, नहीं तो हम मारे जाते। तो चुप कर, आप मरेंगे हम लोग। बहुत बुरी लड़कियां हैं, मेरे जैसे शरीफ लड़के को देखते ही फूल मारकर छेड़ती है। मुझे जिंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल करना है। आई हेट आई, आई हेट लव, यू कांट चीट मी, ओके? बैजू तेरा फूल तेरे पास। मेरा नाम सूर्या है, मैं आपका जूलॉजी का नया प्रोफेसर हूँ। ये तो वही फूल वाला है, आज मेरा बैंड बच जाएगा। So, first of all, we are going to discuss about the chapter so far covered. Shall I ask a question in that? Say yes or no. Yes, sir. That's good. Let's go ahead. Hey, Mr. Get up. What's your name? Baju, sir. Okay, Mr. Venu. Tell me, what are the properties of... Sir, अंग्रेजी नहीं आती सर, हिंदी पूछिए ना सर। English नहीं आती? नहीं सर। क्यों? सीखी नहीं सर। क्यों नहीं सीखी? 200 सालों तक हमें अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा सर। लाना था सर। I hate English सर। लगता है आप तक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो। कूल कूल। थैंक यू सर। हे यू, गेट अप, गेट अप, आई से। कम ऑन, टेल मी अबाउट द चैप्टर्स यू हैव कवर्ड सो फार। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सॉरी, व्हाई आर यू नैगिंग मैन? इडियट, कॉलेज में किस लिए आते हो? लड़कियों को छेड़ने के लिए, नए आने वालों की रैगिंग करने के लिए, ये सब तो सीखा तुमने? एक्सक्यूज मी प्लीज। सॉरी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, गो गो। और तुम कॉलेज में पढ़ने आते हो या गुंडागर्दी करने आते हो? और ये लंबे बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं है? कान में बाली क्या लड़की बनकर जिएगा तू? क्यों भाई नहीं है? किताब निकाल, भेज दी क्या? बीयर पी के पैसों का इडियट, पता नहीं क्यों कॉलेज जाता है, बाप के पेड़ पे उगते हैं। मैं जूलॉजी का प्रोफेसर हूं। सो व्हाट? मैं इस क्लास का जूलॉजी का प्रोफेसर हूं। वेलकम सर। कम ऑन स्टूडेंट्स, से गुड मॉर्निंग टू द प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसने तो रैगिंग करने वालों की रैगिंग कर दी। अरे वाह 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 वाह, तुम्हारी वजह से कॉलेज में मजा आ गया भाई। भाई अब तुम कहीं मत जाना भाई, तुम मेरे कमरे में रहना भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ भाई। आओ बैठो भाई, आओ आराम से बैठो भाई। इतने सालों से मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरी रैगिंग की चाहत पूरी नहीं हुई। सारा कॉलेज मुझसे डरता है, लेकिन वो गंजा का ग्रुप है ना, उसको देखते ही मुझे डर लगता है भाई। भाई अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरी चाहत पूरी हो सकती है भाई। पूरी कर लो बिड़ू अपनी चाहत। सच कहते हो भाई, अगर आपका साथ और आपका भरोसा रहा तो मैं रैगिंग का राजा बन सकता हूँ। बैजू बकरा आ रहा है, वो देख इधर ही आ रहा है। सुअर की औलाद लगता है भाई, भाई मैं इसकी रैगिंग करूं? अरे करो ना, डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हारी जगह मैं बनाऊंगा। थैंक यू भाई। अबे ओ गेंडे इधर आ बे। जस्ट कमिंग। रैगिंग करने वाला हो क्या भाई? करो ना करो ना, मुझे रैगिंग बहुत पसंद है भाई। रैगिंग करने का लाइसेंस तेरे पास नहीं, मेरे पास है। भैया रैगिंग करो ना, मुझे रैगिंग बहुत पसंद है, करो ना प्लीज। अरे जल्दी से इसकी रैगिंग कर ले, नहीं तो ये तेरी रैगिंग कर लेगा। लगता भाई, अरे तुझे साइकिल चलानी आती है क्या भाई? पकड़ साइकिल। साइकिल? हाँ बे। भाई साइकिल चलाने में तो नंबर वन हूँ, नीचे लेट कर चलाता हूँ, ऊपर बैठ कर चलाता हूँ, उड़ कर चलाता हूँ भाई। अच्छा एक काम कर, साइकिल लेकर कॉलेज का चक्कर लगा क्या? एक क्या भाई, तीन चक्कर लगाता हूँ। इस साइकिल को तो कोई भी चला सकता है। ऐसा हो कि साइकिल नहीं पर साइकिल लगे, सीट नहीं है पर लगे बैठे हो, हैंडल नहीं है पर लगे पकड़ा है, पैडल नहीं है मगर लगे मार रहे हो। कॉलेज का चक्कर लगाओ सर। भाई, सर चक्कर भाई, लगाओ। भाई रैगिंग बहुत कमाल है भाई। पता चला बे, पता चला। साइकिल वहाँ है, ले जाओ। कमाल की चला रहे, नई साइकिल है। ये तो हमसे बड़ा एक्टर है। भाई घंटी काम नहीं कर रही भाई। अबे जोर से बजाना। अरे अरविंद इतनी जोर से नहीं, पूरा कॉलेज जमा हो जाएगा। हाँ भाई। क्या रे, ऐसे चलाते हैं क्या? साइकिल में तो ताला बंद है भाई, कैसे चलाऊं? ये अबे साइकिल संभाल, साइकिल संभाल, पकड़। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। ठीक है।
शुरू करता हूं भाई। चल शुरू हो जा, शुरू हो जा, चल 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 जा जा। अरे 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 अरे, ये फूलों की कमीज पहनी थी तभी मैं समझ गया कि ये बेवकूफ है। ये ना चल, बच गए बच गए, भाग गए, वो कांटे के टायर पंचर हो जाएगा। देख गेंडा साइकिल चलाता है। अरे अरे लाल के अरे भाई भाई साइकिल पकड़ो जल्दी, बाथरूम जाना है भाई, पकड़ो जल्दी। खराब मत करना जा, मेरे साइकिल का ध्यान रखना भाई, आने पे देना फिर मुझे। प्रॉमिस प्रॉमिस। देखा भाई, इस तरह के बेवकूफ भी कॉलेज में आते हैं। अभी आराम मिला भाई, मेरी साइकिल दे दीजिए, मैं चार चक्कर काट कर दूसरी तरफ से घर चला जाऊंगा। ये ले तेरी साइकिल। ये क्या मजाक है भाई, मेरी साइकिल दीजिए। देखना हैंडल, घंटी नहीं दिखता क्या? दिख रहा है, तुम जिस पे बैठे हो वो मेरी साइकिल है। अरे ये तेरी साइकिल है, सारा बनता है क्या? ज्यादा क्या भाई, मेरी साइकिल दीजिए। Hey, अब ज्यादा बकवास की तो फाड़ के रख दूंगा, चल। डरने का नहीं। क्यों शोर मचाता है? आप ही फैसला कीजिए भाई, इन्होंने साइकिल पर चक्कर काटने को कहा, मैंने चार बार चक्कर काटे भाई। क्या रे चक्कर काटे? ओ क्या है कि ए, मैं पूछता हूँ चक्कर काटे या नहीं? हाँ चक्कर काटे थे। टॉयलेट जाते समय साइकिल दी थी भाई। क्यों रे सच बोल रहा है? वो क्या रैगिंग करते समय ऐसा होता रहता है। साइकिल दी थी या नहीं? हाँ दिया था। तो इसकी साइकिल इज्जत है? अरे ये साइकिल इसकी नहीं है, मेरी साइकिल है। ये मेरी साइकिल है, चाबी मेरे पास है, देखो। लगता है बात आपकी समझ में नहीं आई, इंसाफ करना तो मेरे भाई से पूछते हैं। भाई भाई कहाँ गया? खड़ा था बोला, तू तो गया बैजू। उसकी साइकिल उसे देनी है नहीं या मार खानी है? साइकिल के लिए कौन मार खाएगा भाई, ले जा रहा बाबू। थैंक यू भाई। भाई जरा इसको हंसने के लिए बोलो ना। हंस कर बोल। ले जा ले जा ले जा, संभाल के नजर, ब्रेक काम नहीं करता है। बाय। ये क्या किया मेरे भाई, बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और टाइम पे गायब हो गया। हाँ बोल क्या बात। सर तू शॉपिंग सेंटर में दिन दहाड़े मस्तान भाई को पब्लिक के बीच में जाए। चुप कर या चुपचाप मर्डर करने की मेरी आदत ना है, पब्लिक के बीच में मारता हूँ, ये देखकर ही जनता मुझसे डरती है। है ही मेरी ताकत है, समझा? सर आपसे न डरने वाला भी एक है, डायरेक्ट आकर उसने कंप्लेंट लिखाई है। नाम बता बे उसका। हाँ सर, वो सर आर्ट कॉलेज में नया नया पढ़ने के लिए आया है। सर आर्ट कॉलेज में पढ़ने आया है, कौन है रे वो? भाई उसको अपन देख लेगा, मालूम है कौन है। भाई के खिलाफ कंप्लेंट लिखा जाए। हेलो। हाँ भाई, हाँ भाई, अच्छा भाई, ए कंप्लेंट वापस ले ले, समझा? तो जानता नहीं अपन बहुत खतरनाक आदमी है, समझा क्या? तुम लोग आए, मुझे अकेले को मारा, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, पर सॉरी तो बोलते जाओ। सॉरी? मैं नहीं 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 नहीं, कौरी कौरी और तुमसे माफी मांगे, तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। ए जुड़े चलना, मरने देना उसको, अभी चल। जबान खोली तो हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, काट डालूंगा तुझे, माफी मांगने वाले में से नहीं है, समझा? इतनी देर करती है? हाँ मैं क्या तेरी बीवी हूँ जो तेरे से डरूं? अभी आती हूँ। कितनी नमकीन है तू? अरे क्या करता है रे, कुत्ते की तरह क्यों काट रहा है? छोड़। काटेगा नहीं, तुझे चबा करके खाएगा। छोड़ मुझे, क्या कर रहा है? उधर हड्डी है, इधर मटन है, अपुन गरम कर रहे हैं। मटन की हड्डी उबल रही है तो आएगा ना, अपुन मर जाए क्या? छोड़ ना बाबा। अरे आ
अपुन नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। अरे थोड़ा तो रुक जा, थोड़ा तो धीरज रख। गौरी, कौन बोला रे? मैं हूँ गौरी। इधर कहीं को आया? तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। सुनिए आप जरा अंदर जाइए, भाई से कुछ बात करनी है। ए, मैं थोड़ा अलग किस्म का इंसान हूँ। मुझ जैसे सीधे साधे इंसान पर तुमने हाथ उठा दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सॉरी कह दो। बोलो, चलो बोल। सॉरी। जिस कॉलेज के लोगों के बीच में आकर मारा था ना, उन्हीं लोगों के सामने आकर सॉरी बोलना होगा। समझ गए? समझ गए, समझ गए। गुड। सुनाओ, कौन हो तुम? मैं इस कॉलेज का सीनियर स्टूडेंट हूँ, आप कौन है? मैं यहाँ का प्रोफेसर। ओ, नए प्रोफेसर, आपका स्वागत है सर। मैं यहाँ नया नहीं हूँ, मुझे आए 2 साल हो गए। तो आपको आकर 2 साल हो गए, मुझे यहाँ 10 साल हो गए सर। कितने प्रोफेसर आते हैं, कितने प्रोफेसर जाते हैं, किस किस का हिसाब रखा जाए सर? तुम 10 सालों से यहाँ हो? यस सर। तुम्हारे माँ बाप मेहनत करके पढ़ाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेहनत से पढ़ो। माँ बाप नहीं है, एक अनाथ हूँ सर। तुम अनाथ हो? अरे तुम अनाथ हो, मुझे पता नहीं था बेटा। मैं पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अनाथ हो सर? ये कैसे संभव है? सबके होते हुए तुम अनाथ हो, हैं? क्या बताऊँ सर, और कैसे बताऊँ? सिगरेट पीना चाहता हूँ, माँ पीने नहीं देती। शराब पीना चाहता हूँ, बाप पीने नहीं देता। इस उम्र में लड़कियाँ पटाना चाहता हूँ, माँ बाप पटाने नहीं देते। आर दे पेरेंट्स? नो, नॉट एट ऑल। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कभी कभी। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन कभी कभी। लड़कियाँ पटाना सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन मेरे बाप कभी कभी। यस सर। मैं जरा प्रिंसिपल से मिलके आता हूँ, तुम गाड़ी को धोकर रखो। सीनियर स्टूडेंट होकर मैं गाड़ी साफ करूँ? कॉलेज छोड़ने के बाद यही काम करना पड़ेगा, जरा प्रैक्टिस कर लो। मैं बिना पैसे का काम नहीं करता। पैसे दूंगा तुम्हें। ऐसा तो ठीक है, ओके। चाबी मेरे पास, तुम्हारे पास है, यही रुकना जानी। आप जाइए सर, आपके आते तक यहाँ आपको गाड़ी बिल्कुल सब मिलेगी। ए, ये हमारे प्रोफेसर की कार है। नहीं नहीं, तुझे दूर से नमस्कार। अबे तेरी गुंडागर्दी कब खत्म होगी? अबे आज तेरा आखिरी समय है। मैं क्या हूँ दिखाता हूँ, मैं चीज क्या दिखाता हूँ तुझे। रुक। सत्यानाश, ज्यादा चोट लगी हो तो मेरी कार में आ जा, अस्पताल छोड़ देता हूँ। तेरा दिल कितना बड़ा है, मुझे आज पता चला। जिंदगी में किसी की रैगिंग नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे, हाथ जोड़ता हूँ। रैगिंग का मतलब यही है। मेरे बाप। घर पे आके मेरे को माफी मांगने को बोला, अब मैं तेरे को इधर ही खलास कर डालूंगा। अब बोल बोल बोल, क्या बोलता था? बोलना, अब बोलना, बोल। चल सॉरी बोल। सॉरी। जोर से बोल। सॉरी। सुना? कमाल कर दिया भाई, उसको क्या मारा तुमने? तुम्हें पता है कौन है? कौन है? यहाँ का एमएलए है। उससे भी बड़ा, गौरी का मतलब खून पीने वाला दरिंदा। क्यों, चाय का कोई पसंद नहीं है? तुम्हें उसके बारे में पता नहीं इसलिए बोल रहे हो? वो भगवती का राइट हैंड है, उसका नाम सुनते अच्छो अच्छो की बंद हो जाती है। इसका मतलब उसे मरना होगा। क्या? कौन है वो? तू मेरा आदमी ये जानने के बाद भी उसने मारने की हिम्मत की? वो जिंदा नहीं रहना चाहता है,
वो जहां भी हो उसके दोनों हाथ काट कर मेरे सामने लाओ। जाओ। भाभी भाभी, मैंने बताया था ना कॉलेज में गौरी को मारा, ये वही है। वाह क्या हिम्मत है इसमें, शेर की गुफा में आ रहा है। में आई बात और हाथ में उठाया हथियार जल्दी नहीं छोड़ते। बात कहते उसकी कीमत नहीं रहती, हथियार फेंकते इंसान की जान चली जाती है। नमस्ते भैया। भैया आप जिसे महान व्यक्ति से मिलना मेरे भाग्य में था। सच भैया प्रणाम। भैया आपके किस्से इस शहर में ही नहीं मेरे गांव में भी कहानियों की तरह सुनाए जाते हैं। अब अपने बारे में बोल। वो क्या है भैया, मैं इस शहर में पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं अकोला से आया हूँ, वही नागपुर के पास अच्छा, वाला गांव। अच्छा, अकोला के रहने वाले हो? हमारा गांव भी आसपास ही है, तुम्हें पता है? पता है दादी माँ। हाँ, अकोला के जवान होते ही ऐसे हैं, हिम्मत बहुत होती है उनमें। अब तक तो साधारण व्यक्ति हूँ, आगे पता नहीं। भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपके लोग कॉलेज में आए, मेरी गलती ना होने के बावजूद मुझे पीटा मारा, और जब पता चला कि इनसे गलती हो गई है तो जाने लगे। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सिर्फ सॉरी बोलना बस। फिर भी इन्होंने मुझे बहुत मारा। अब इसमें मेरी क्या गलती है भैया? चलो ये बात छोड़िए, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये लोग आपके आदमी है। बताया नहीं बताया? ऐसा लगता है जैसे बताने में शर्म आती है। आपकी कसम भैया, अगर मुझे पता चलता कि आपके लोग हैं तो सॉरी बोलने के लिए थोड़ी कहता। भैया यहाँ पर रह के मैं आपसे पंगा थोड़ी ले सकता हूँ। भाई ये जो दिख रहा है हकीकत में ऐसा नहीं है। ए तू चुप बैठ। सुन। हाँ भैया। तूने मेरे लोगों को जान से मारना चाहा, बोले तो मेरे गिरेबान पे आटा। मुझसे दुश्मनी लेने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता, फिर भी तेरे को छोड़ रहे। थैंक्स भैया, मेरी मेरी थैंक्स भैया। और सुन, तेरे को यहाँ रहने की जरूरत नहीं, अपने गांव लौट जा। भैया भैया ऐसी बात मत कीजिए ना भैया। ए, 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 काहे को मौत को दावत दे रहा है, तू सीधा दिख रहा है करके छोड़ रहे लाऊं। भैया ये बात नहीं है, यहाँ मेरी पढ़ाई, हॉस्टल का खर्चा। तेरे को पैसा चाहिए कि जिंदगी चाहिए? जिंदगी चाहिए। तो अपनी जिंदगी से प्यार कर और निकल। चल 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 चल। जाना जरूरी है भैया, कल ही चला जाऊंगा। आइंदा मेरे आदमी को कहीं भी नजर मत आना। नहीं नजर आऊंगा भैया, नजर आ तो मार डालना। क्या चलता हूँ दादी माँ, मुझे आशीर्वाद देना। ठीक है बेटा, अकोला में सबको नमस्ते कहना। कह दूंगा दादी माँ। हाँ। चलता हूँ भैया। गांव से शहर में चले आते हीरो बने। अरे वो अकोला का जवान है, सीधी तरह नहीं जाएगा, उन्हें बहुत गर्व है अपने आप पर। वहाँ क्या हुआ भाई? भगवती के घर गया था, उठा कर एक लात मारी। किसको? भगवती को? ना, घर के दरवाजे को। दरवाजा फटाक से खुल गया। भगवती मुझे देखकर हैरान हो गया, उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं देखने। फिर तो समझ गया, तू उसके घर गया, घर के सामने खड़ा हो गया, मान गया तेरे चेहरे पर जो मूछे मर्द की मूछे। अरे वाह मजा आया, तलवार से नहीं मारा, आंखों में आंखें डालकर कत्ल कर दिया। आगे बोल। कुछ ज्यादा ही बोल गया, वेरी शॉर्ट। अरे एक बात और। क्या किया? क्यों हंस रही हो? एक्टिंग अच्छी करते हो। ज़्यादा बकवास मत करो, जाकर पढ़ाई करो। दांत निकाल कर हंसते रहे। बहुत परेशान कर दिया इसने, यहाँ भी आ गया, मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। Ma
माफ करना मैडम, वो जो हारा है ना, देखिए वो पीछे आने वाला मेरा सहारा बनना चाहता है, अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहता है। अगर मैं पकड़ा गया ना तो अभी के अभी मेरी शादी करवा देगा। मुझे यहाँ छिपने दो प्लीज, प्लीज अपना चेहरा उस तरफ मत करिए, प्लीज 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 प्लीज। वो वहाँ पर, ये तो इसी तरफ देख रहा है, कहीं इस तरफ आ गया तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। माधुरी यही है ना? हाँ भैया। भैया ये इसकी बहन है, भगवती की बहन। बुआ बुआ बुआ, काजल लगा दो। अरे माधुरी, जरा वहां से 5 सुपारी ले आओ। ये लीजिए, पान बना कर दे दो, मेरे हाथ खाली नहीं है। अरे पगली, कहाँ खोई हुई है, क्या खिलवाड़ कर रही है? अयो, लगता है कुछ गड़बड़ है। भाई, वो देखो वो सूर्य। क्या अभी तक इसी शहर में है? इसकी तो ए, जाकर पूछना। ठीक है भाई। ए, सुन बे। बोल क्या बात है? क्यों बे, गांव नहीं गया? कौन से गांव? कौन से गांव? भाई ने कहा था ना गांव वापस चले जाना। भाई वो कौन है? उनको नहीं जानता, और भगवती भाई को नहीं जानता। कौन भगवती? ए, अभी तक तू इधर ही चल। ओ, तुम सब लोग भगवती के आदमी हो ना? सॉरी यार, सॉरी भूल गया। एक काम करो, अपनी जेब में भगवती की तस्वीर लेकर घुमा करो, ठीक है? तब आसानी से पहचाने जाओगे, समझ गए? अच्छा, गांव काहे को नहीं गया, बोल। हाँ, गांव जाना था, क्यों नहीं गया? हाँ, गांव जाने के लिए ट्रेन में बैठना पड़ता है। ट्रेन में बैठने के लिए टिकट के पैसे लगते हैं, सही कहा ना? और जेब में पैसे होने के लिए बैंक जाना पड़ता है, मानता है ना? मैं बैंक गया था, बैंक बंद था, और आज बैंक का स्ट्राइक है। अबे क्यों झूठ बोल रहा है, अभी तो हम बैंक से आ रहे हैं। स्ट्राइक नहीं है? नहीं, चल बैंक चलते हैं। चल के क्या फायदा, बैंक में बैलेंस होना चाहिए ना। क्या बैलेंस नहीं? क्या पागल की तरह बात कर रही है, बैंक बैलेंस होने के लिए बैंक में अकाउंट होना चाहिए ना। क्या रे, अपन को अलीबाग से आए ले समझे ले, क्या सिंडी लगा रहे ले? ए, तुम खुद जानते हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बैंक में अकाउंट खोलूंगा, फिर पैसा निकाल कर टिकट खरीदो। चलो निकलो, निकलो, चलो निकलो, अलग बताना पड़ेगा क्या? चलो चल निकल यहाँ से, चल चल निकल। चलो भाई चलो। अरे डेढ़ फुट है तेरे को, अभी मैं आधा फुट कर दूंगा, चल निकल यहाँ से, चल चल जल्दी। चलो जल्दी। तुम पागल हो क्या, छोटे बच्चों की तरह काम मत करो, शहर छोड़ के चले जाओ, मेरे भैया को तुम नहीं जानते। बहुत बहुत शुक्रिया बिना पूछे मशवरा देने के लिए। मेरे घर में मैं अपने बाप से नहीं डरता, तुम्हारे भाई से डरूंगा। चाचा आ गई मशवरा देने के लिए। क्या रे, इतनी देर कैसे? भाई वो कॉलेज वाला लड़का फिर रास्ते में मिल गया, वो तो बहुत बड़ा जादूगर है। गांव क्यों नहीं गया, पूछा तो कहता है भाई को बता दिया है। भाई वो क्यों ऐसा बोला, पैसे के बारे में बताता है, बैंक में है, जाकर लाऊंगा, नहीं जाता हूँ, वो बहुत मजेदार कहानियां सुना रहा था। कौन सूर्या? वो तो यहाँ है। हे सुया हो सुया। हे सुया, अरे तू इधर कैसे आ गया, इंसान है कि शैतान? सुना भाई, सुना, वहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया भाई, फिर मैंने सोचा भाई को जरूर जाकर बता दूंगा, यही सोचकर तो यहाँ पर आया था, और आपके आदमी मुझे मारना चाहते हैं भाई। क्या बोल रही? माँ कसम। देखा भैया देखा, ये बात सुनकर आपको कितना गुस्सा आ गया, ये बात मुझे पता चली तो मेरा खून खौलने लग गया। भाई ये चीटिंग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ का मायने मामा को नहीं मालूम, तेरे मुँह से हमेशा मरने की बात सुनती आई हूँ। ऐसा क्या है भाई, आपके बोलने के बाद भी मेरी इस गांव में रहने की हिम्मत?
इसीलिए नहीं गया, कल शाम जाने का टिकट रिजर्व करवा लिया था, जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए हाथ की सोने की घड़ी मैंने सिर्फ आपके खातिर बेच दी। पता है? नहीं बेटा, अकोला वाले आंसू नहीं बहाते। मैं चला जाऊंगा दादी माँ, आप कहती है तो चला जाऊंगा। हाँ भाई, अब रोने का नहीं, कल शाम की ट्रेन से चले जाना। चला जाऊंगा भाई, जरूर चला जाऊंगा, पर परसों। परसों जाएगा? नहीं नहीं भाई, कल ही चला जाऊंगा। चलता हूँ दादी माँ। मैं जानती हूँ तुम लौट कर आओगे। नहीं नहीं नहीं, भाई ने कहा है ना, अब मैं चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा, जाता हूँ। आऊंगा नहीं आऊंगा, रहूंगा नहीं जाऊंगा। आज कल के लड़के एक ही बात को अलग तरीके से बोलते हैं। चुम्मा। हे सुया हो सुया। क्या तुम क्या कह रही हो? सच में सूर्य ने जब से तुमको देखा है ना, तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया कि दीवाना बनकर घूमता फिर रहा है। वैसे सच कहूं तो लड़का बुरा नहीं है। अगर ये बात है तो मुझे सूर्या को बताना होगा। तुझे माधुरी से प्यार नहीं? लव मुझे माधुरी से? एक धूका। पता है मुझे उसके भाई ने दो बार शहर छोड़कर जाने की धमकी दी है। अब अगर मैं उसी के बहन से प्यार करूंगा तो जंग छिड़ जाएगी, मर्डर भी हो सकता है। देखो बिटू लोग, ये सब लफड़ा मेरे को नहीं चाहिए, समझे? इसलिए हमारे कॉलेज का वो सुंदर लड़का है ना, अरे वही गोकुल जो एक साइड इसको प्यार करता है, अरे उसके साथ में इसका टाका बिठा देंगे, बस हो गया काम, मैं खुश। तरह की बात सोच भी सकते हो? मैंने नहीं सोचा था, लगा था तुम एक शरीफ हो, पर तुम तो एक कायर निकले। मेरे भाई से डरकर मेरे प्यार को बदनाम किया। मैंने क्यों एक पत्थर दिल से प्यार किया जो प्यार को खेल समझता हो? नहीं नहीं, आगे कुछ मत कहना। I hate you. आज तेरा खेल खत्म करके रहूंगा, खत्म कर दूंगा। ये शहर मेरा नाम सुनकर कांपता है। से डरने सब कायर है इस शहर में, मैं कायर नहीं हूं। तो पंगा लिया। सोना भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, सूरज डूबने से पहले इस शहर से निकल ले, नहीं तो कल सूरज निकलने से पहले दुनिया में नहीं रहेगा। शमशान में तेरे को जिंदा जलाऊंगा मैं। मारकर मेरी लाश को शमशान में जलाने की बात की थी ना, लेकिन तुम्हें अपने पिता को जलाना पड़ा। तू अभी तक यही सड़ रहा है, बड़ा जिगर है बेटा। तेरे सामने आने के लिए जिगर ही कितना चाहिए? क्या तूने मुझे डरपोक समझा है? तेरी चिता यहीं जलेगी। जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए, समझे? अब तू नहीं भूलेगा। अरे
तो अपने आप को यमराज समझता है या ईश्वर? कान खोल के सुन ले, मैं इसी शहर में रहूंगा और सर उठा कर जीऊंगा। मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये शहर तेरा या तेरे बाप का नहीं है। अगर प्यार से कहता तो चला जाता, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। पता है क्यों? मुझे प्यार हो गया है, और किसी से नहीं, तेरी बहन से। मैं उससे शादी करने वाला हूं। तेरे को जो करना है कर लेना। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। क्या एक्शन था फिल्म में, मजा आ गया। चिरंजीवी का तो जवाब नहीं यार। आए चल आए। अरे क्या हुआ? अरे ए जी क्या हुआ आपको? ओ, ये क्या यहाँ भी टॉर्चर? अरे तुम क्यों टेंशन लेती हो? आने दो से, मैं मजा चखाती हूँ। आए माधुरी, तुम भी पिक्चर देखने आई हो? नहीं, समोसा खाने आए हैं। ओ गुड टेस्ट। माधुरी मुझे कुछ भजिया पिज्जा जैसा कुछ चाहिए। हाँ हम भी देखने। बताओ बताओ। If you don't mind, I never mind. वहाँ बहुत भीड़ लगी है ना? Okay. उसे दो कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहो। उसे कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद लेकर आता हूँ। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा गोकुल। Thank you. There is long queue. Go. दो कोल्ड ड्रिंक देना भाई। क्या हुआ जी? अरे ऐसे क्यों गिर रहा है बार बार? क्या हुआ आपको? सेम पहलू। अरे सुनिए ना, सुनिए। ऑक्सीजन ज्यादा हो गई। एक्चुअल में ये क्या है? एक्सक्यूज मी, कमाल की ट्रीटमेंट है। एक्सक्यूज मी, और ये अपना नाम है। एक बार जो ट्रीटमेंट करवा लेता है वो जिंदगी भर उनको याद रखता है। कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न, यू कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न। बीच में हड्डी है। हेलो। क्या कैच पकड़ा है? तुम हो मैन ऑफ द मैच? क्या सूर्या को मिलने आए हो? सूर्या अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शंकर दादा फिल्म देखने गया है, वही आने को कहा है। सूर्या, तुम यहाँ? बता दो सिस्टर, साइड प्लीज। ए, तुम किससे पूछ कर यहाँ आई हो? मुझे भी ये फिल्म देखनी थी, मेरे साथ आ सकती थी। ये बात पूछने वाले तुम कौन होते हो? ये मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड ही पूछ सकता है, तुम नहीं। देखो माधुरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये बात मैं सबके सामने कह चुका हूँ। अब शादी का ग्रीन सिग्नल मिलने तक हाथ में लॉलीपॉप लेकर चूसने वालों में से मैं नहीं हूँ, इसलिए मैंने खुद ही जाकर तेरे भाई से बात कह दी। ये बोलकर तुमने अपने लिए अच्छा नहीं किया, समझे? अरे खतरनाक हालात ही मुझे पसंद आते हैं। अपनी जिद छोड़ दो, मेरे भाई के आदमी तुम्हें हर जगह तलाश रहे हैं, समझे तुम? अरे यहाँ वहाँ ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं कहाँ मिलूंगा ये मैं उन्हें बता कर आया हूँ। क्या चिरंजीवी की फिल्म लगी है? क्या फिल्म है? रुको रुको, क्या हुआ? इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले, तुम यहाँ से चले जाओ। भाग जाऊं? और मैं? ओए, अब देखती जा मजा।
भाई वो आ रहा है। भाई इसकी स्टाइल तो समझ में आती नहीं है। एक काम करते हैं, तलवार से इसकी गर्दन काटी होगी। पकड़ उसको, भाई भाग रहा है। भाग रहा है। उधर। ए होशियार, कोई चाल चलने वाला है। भाई मेरे को तो लगता है कि वो डरकर भागेगा। भाई उसने गाड़ी को लात क्यों मारा? अपुन को देखो साले की हवा टाइट हो गई है। भाई चिरंजीव भैया, आप फिल्मों में कितने लोगों की मुसीबत में ठीक समय पर आकर रक्षा करते हो, खून बहाते हैं, आंखें फोड़ते हैं, ऐसा आम जिंदगी में कुछ लोगों की मदद करके हीरो बनते हैं। अब आपको मेरी रक्षा करनी है भाई, मुझे इस कार्य के लिए माफ कर देना, मजबूरी है। जय चिरंजीवा। ए, हमारे चिरंजीवी का गड्ढा उतारता है। हम लोग उसको मारने की सोच रहे थे, वो लोग पहले उसको मार डालेंगे। ये उन सबको लेकर हमारी ही तरफ आ रहा है। छोड़ेंगे नहीं इसे। उसको इधर ही गेम बजा डालेंगे। अपने गैंग के साथ आया है, छोड़ना नहीं। ए माधुरी, हाउ इज इट? मेगा स्टार फैन फाइटिंग। भाई क्या हो गया, ये सब क्या है? ए हल सूर्या ने केले। भाई मैंने उसी वक्त कहा था अकोला वालों के मुंह मत लगना। तू अंदर जा, तेरे से बोल रहा हूँ, जाना। जा रही हूँ, नहीं गई तो क्या करोगे, मुझे क्या लेना देना। क्या रे, वो एक अकेला था और तुम सबको फोड़ डाला। नहीं भाई, बहुत लोगों ने मारा। उसके पास इतना बड़ा गैंग है क्या? हमें मारने वाला वो नहीं, चिरंजीवी के फैन थे। चिरंजीव के चाहने वाले थे? अरे उनसे क्यों झगड़ा मोल लिया तुम लोगों ने? हम क्यों झगड़ा करते भाई, उन्होंने झगड़ा किया, थिएटर में हमें देखकर वो भाग गया, उसके पीछे हम भी भागे, वो हमारे सामने आया, हम उसके सामने आए, बस वहाँ देखता हूँ तो चिरंजीवी फैन वहाँ वो नहीं था, वो क्यों भागा पता नहीं, माँ की कसम बहुत फोड़ा उन लोगों ने। भाई एक चांस और दे, अभी तो चिरंजीव ने बचा लिया लेकिन अब भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। अरे ये बुरे काम बंद करो। अरे माँ। अरे तुम लोगों को नहीं पता चिरंजीव भी अकोला में पैदा हुआ था। हाय, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे लिए। मुझसे तुम्हें क्या काम? प्यार को आगे बढ़ाने के लिए। मैं नहीं करती। शर्म नहीं आती? शर्म खाक। शर्म नहीं आती तो आई लव यू कहो। मैं नहीं कहूंगी। जब तक तुम नहीं कहोगे मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा है तो मैं जाती हूँ। भैया, भैया। मेरा भाई तो गाँव में रहता है। तुम्हारा भाई नहीं, मेरा भाई मर गई। तुम्हारा भाई आ गया, बड़े सही वक्त पर आया है। चलो उसी से कहता हूँ। मिस्टर भगवती, मिस्टर भगवती। क्या कर रहे हो? चलो नहीं कहता, आई लव यू कहो। मैं नहीं कहूंगी। ठीक है तो मैं बुलाता हूँ मिस्टर भगवती। ठीक है मैं कहती हूँ आई लव यू। आई लव यू ऐसे कह रहे हो जैसे भिखारी को भीख दे रही हो। जरा प्यार से कहो, दिल से कहो, आई लव यू ऐसे। आई लव यू। ये थोड़ा ठीक था, इसमें जरा मिठास मिला दो तो। मिठास मतलब एक पप्पी देकर कहो, वही मिठास आ जाएगी। पप्पी? नहीं नहीं। पप्पी देती हूँ या नहीं? नहीं। देखो आखिरी बार कह रहा हूँ। नहीं। नहीं तो तुम्हारे भाई को बुलाता हूँ। बुलाता हूँ, बुलाता हूँ मिस्टर। नहीं नहीं नहीं। जी जी जी। ये देखो आजकल के नौजवान। आजकल का फैशन यही है भाई। थोड़ी देर रुके ना तो पूरी ब्लू फिल्म देखनी पड़ेगी। चल चल। माधुरी को मैंने तन मन धन वचन से प्यार किया। छी छी, क्यों किया? ये बात सारे कॉलेज को पता है। उस लड़की को भुलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बताता हूँ। आजा। हाँ बताओ। कूल ब्रदर। हाँ दादा। कूल मैन। हाँ कूल।
प्यार को कोई खरीद नहीं सकता। माधुरी से प्यार करने का हक मुझे उसके भाई ने दिया है। वो कैसे? वेरी सिंपल, हिम्मत से उसके भाई को जाकर कहा मैं तेरी बहन से प्यार करता हूँ। सुनते उसने हाथ उठा लिया। मारने के लिए? आशीर्वाद देने के लिए। शिट, तुमको उसने आशीर्वाद दिया, मैं उसके भाई के पास जाता हूँ। मुझे कैसे नहीं आशीर्वाद देगा देखता हूँ। यू अंडरस्टैंड? देर क्यों, चलो। हाँ मुझे पता है, पता है। ए, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना होगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तेरी जान ले लूंगा, समझ गया? समझ गया भाई। एक्सक्यूज मी, भगवती आप ही है ना? हाँ भाई। हाय, नाइस टू मीट यू। हाय यू स्टॉकमैन, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं, सीधे बताता हूँ। मुझे तुम्हारी बहन से प्यार है। यस आई लव योर सिस्टर। तुम्हारी बहन से प्यार करने की परमिशन मुझे दो, फिर हाथ उठाकर आशीर्वाद भी देना। मुझे आपका परमिशन भी चाहिए और आशीर्वाद भी चाहिए। प्लीज आशीर्वाद दीजिए मुझे, आशीर्वाद दीजिए मुझे भैया, आशीर्वाद दो मुझे प्लीज। इज्जत से मेरे आदमी को छोड़ दे, नहीं तो तेरे दोस्त की गर्दन काट दूंगा। छोड़ दे। छोड़। तुझे 2 मिनट की मोहलत दे रहा हूं, जान देगा या जिंदा जाएगा, सोच लो। कायर, कायर है सूर्या। भगवती से, इस सूर्या ने भगवती से दुश्मनी की, भगवती से। अब इस सूर्या का सूर्यास्त मैं करूंगा। अब वो मुझसे नहीं बच सकता। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है सूर्या, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? अरे कहाँ तक भागेगा वो, कहाँ तक भागेगा? बजरंगबली प्रसन्न हो, बजरंगबली प्रसन्न हो। जब से तू मेरे रूम में आया लफड़े लफड़े हो रहे हैं, मुझे देख ऊपर से नीचे तक कांप रहा हूँ। तेरी वजह से रोज रोज के टेंशन। तुझे मारने के लिए कौन कब आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान के लिए तू यहां से जा। इस टेंशन में पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, नींद भी नहीं आ रही। पढ़ाई के बारे में भगवान को पता, पर नींद नहीं आ रही है। बाहर जाने में डर लगता है, बाथरूम जाने में भी डर लगता है। तू कुछ भी कर, लेकिन 1 महीने के लिए हॉस्टल खाली करके चला जा, तो अभी हम शांति से जी सकेंगे। प्लीज प्लीज सूर्या। सुनो सूर्या, मेरे भैया तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत डर लगता है। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है सूर्या। मेहरबानी करके 1 महीने के लिए कहीं चले जाओ। प्लीज सूर्या, इस शहर में मत रहो, तुम्हें मेरी कसम। 1 महीने की बात है, ओके। ए, तू टॉयलेट में? मैम, इतनी बढ़िया जगह है फ्री में बात करने के लिए। तुमसे एक बात करने के लिए आया हूँ। अबे बात क्या है? कुछ खास नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे शांति नहीं मिल रही है, एक ही टेंशन। इस टेंशन की वजह से मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, नींद भी नहीं आती,
बाहर निकलने में टेंशन, बाथरूम में जाने के लिए भी टेंशन, ये सब क्यों है? तुम्हारी बहन से प्यार करते हुए भी मूड नहीं बनता, इसलिए तुम इस शहर को एक महीने के लिए छोड़कर कहीं चले जाओ, मुझे शांति मिलेगी। ए, क्या बोला तू? मेरे को धमकी क्या है? तुम्हें सीधी तरह से बात समझ में नहीं आती। नो प्रॉब्लम, ठीक हो जाएगा, बस एक महीने का बेड रेस्ट कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम इस शहर को एक महीने के लिए छोड़कर कहीं चले जाओ, मुझे शांति मिले। ये कैसे हुआ सर? अरे बताया ना, बाथरूम में गिर गया मैं। ऐसे कैसे गिर गए सर? अरे गिर क्या बताऊं क्या, जाओ। सॉरी सर। ए रुको, एक्सक्यूज मी। हेलो, दोनों की एक ही समस्या, एक महीना आराम लेते दूर हो जाएगी। मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ गोकुल, तुम्हारी बहन को प्यार करता हूँ। उस दिन आपने ना हाँ कहा ना ना कहा, अब बता दो ना, हाँ या ना, बताओ। हेलो, हाय हैप्पी कट, ओ स्ट्रॉन्ग मैन, कैसे हो? इसको जवाब चाहिए, जरा जवाब दो। अरे अरे क्या कर रहे हो, अपने होने वाली चीजा के साथ क्या कर रहे हो, उसको बढ़वा रहे हो? अरे 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 बस बस, यही रुको यही रुको, आओ घर तक छोड़ूंगा, चलो। नहीं नहीं सूर्या, बस पास ही में है, मैं पैदल चली जाऊंगी, बाय। ओके बाय। तुमसे दूर रहकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं क्या करूं, मजबूरी है। सूर्या सूर्या। क्या हुआ, क्या हुआ मम्मी? कल ही मेरा भाई अस्पताल से वापस आ रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। बस इतनी सी बात, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं संभल कर रहूंगा, तुम टेंशन हटाओ, खुशी से घर जाओ। ओके जाओ जाओ। नहीं लेना, ठीक है भाई, कॉलेज में पहले उस सूर्या का हिसाब करना है। हेलो, तुम्हारे बच्चे का स्कूल से किडनैप होने वाला है, बचा सकते हो? ए गाड़ी रोक, बच्चे की स्कूल की तरफ ले। Hey!
छोड़ दे बेटी। इधर ही था वो, इधर ही था। तुम घर कैसे पहुंची? अंकल लेकर आए हैं। अंकल? कौन से अंकल? आइए पिलाती हूँ। खा लो बेटा। प्लीज प्लीज डरो नहीं। अच्छी नहीं लगती तो ये सब्जी खा। फट जाएगा। बहुत ज्यादा खा लिया है। तू यहाँ क्या कर रहा है? इन्होंने तो हमारे बच्चे की जान बचाई है। इसने ये ना होता तो हमारी बच्ची हमको ना मिलती। क्या हमारी बेटी की ये रक्षा करके लाए? नहीं तो क्या तेरे आदमी लाए? बड़े पहलवान बनते हैं। दांतों से सुपारी तो क्या, अंगूर चबाने की ताकत भी नहीं है। कोई गुंडा उठाकर ले जा रहा था मेरी बच्ची को। हाँ पापा। देखो भाई, तुम्हारा इस शहर में बहुत अच्छा नाम है तो साथ बदनाम भी हो। तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। किसी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा बड़ी सावधानी से रहना, क्योंकि तुम्हारा परिवार भी है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी जगह तुम होते तो शायद कुछ और हो जाता। चूमा। पापा डर गए, पापा डर गए, मम्मी पापा डर गए। क्या जोरदार कहानी सुनाई, अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। ए, हाँ भाई। उस सूर्या के घर वालों की जानकारी हासिल कर, उनकी आंखों के सामने उसे बकरे की तरह काट डालेंगे। आइए बाबूजी। बेटा हम लोग को ओशिवारा ही जाना है ना? हाँ बाबूजी। ऑटो ओशिवारा जाएगा, क्या किराया लेगा? हाँ 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 चलेगा, जो मीटर बोलेगा। बहुत शरीफ आदमी है, चलो बैठो। बाबूजी वो देखिए, वो जो अपने सूर्या के साथ घर पर आई थी, माधुरी। अरे अपनी माधुरी है? हाँ बाबूजी। सुनो सुनो माधुरी, माधुरी माधुरी माधुरी, तो जल्दी उस लड़की के पीछे चलो। माधुरी। छी, क्या आदमी है तुम लोग? इतने सारे लोग मिलके तुम लोग सूर्या के परिवार के बारे में जानकारी नहीं हासिल कर सके? बकवास है रे तुम लोग। माधुरी माधुरी रुको बेटी। क्या बेटी, हम कितनी देर से चिल्ला रहे बिना सुने चली जा रही है? अरे बाबूजी आप, सॉरी बाबूजी, मैंने आपको देखा ही। अच्छा हुआ बेटी, शहर में आने की वजह से तुमसे मुलाकात। ओके बाबूजी आप यहाँ से जाइए। क्या बेटी, हमारे गांव आई थी तो तुम्हें कितना आदर सम्मान दिया हमने। बच्ची है ना, ये मर्यादा सम्मान इसको नहीं मालूम बाबूजी। माधुरी कौन है ये लोग? ये मेरे क्लासमेट के फादर, फादर सोमनाथ। भाई मैं भाई। हाँ भैया। फिर बाहर खड़े होके बात क्यों कर रहे हो, अंदर आ जाओ। वाह, आप तो एक जेंटलमैन की तरह बात कर रहे हैं। कितना आदर कितना सम्मान। चलो भाई चलो। बाबूजी आज किसी अर्जेंट काम से आए लगता है, जल्दी से ही थोड़ा पी कर जाइएगा। इतनी जल्दी नहीं है बेटी, बड़े आराम से खाना खा के ही जाएंगे। खाना खा कर जाएंगे? ठीक है आइए। चलो गोभी की सब्जी बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ मैंने खूब खाया। कमाल है, खाना तो बहुत टेस्टी था। साहब गले पर ये घाव का निशान? छोटा सा एक्सीडेंट। ये तो एक्सीडेंट नहीं लगता, किसी ने तलवार से वार किया ऐसा लगता है। सर आप जेंटलमैन है इसलिए उसे छोड़ दिया, वहीं हम होते ना तो उसके बाप तक के टुकड़े टुकड़े करके कीमा बना के छोड़ते। और उसके अलावा सर उसके पूरे खानदान वालों को टुकड़े टुकड़े करके उसमें चूरा भर देना चाहिए। सर यहाँ आने से आप जैसे बड़े लोगों से परिचय हो गया, अब हम चलेंगे सर, हमें बहुत काम है। कभी हमारे गांव की तरफ आए तो हमारे घर खाना खा के ही जाइएगा। ये लो बेटी वो तस्वीर और मिठाई, ले लो बेटी। ये सब किस लिए? नहीं नहीं आपकी बहन शर्मा रही है, आप लीजिए। लीजिए सर लीजिए, मैं आपका फिर कभी आऊंगा। चलो बेटा चलो चलो जल्दी। बाय माधुरी बाय। काफी भोले भाले लगते हैं। भाई उसका फैमिली गांव में नहीं है, शहर में आए वो लोग। शहर में ही नहीं, हमारे घर में भी आया। अच्छा अच्छा खाना खाया, पान भी खा कर गया। जा पकड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाल उसके। जा हाँ।
कल वो खाके गया, आज उसका खानदान खाके गया। मेरा घर एक सराय की तरह बन गया। सूर्या। यस। फोन। हेलो। हेलो सूर्या, यहाँ आग लगने वाली है। आग लगने वाले तो फायर ब्रिगेड को फोन करो, मुझे क्यों किया? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे बाबूजी और भैया मेरे घर आए थे। अच्छा, अब आगे। ए, फिर से बोलो, फिर से बोलो। भैया ने गांव वाली फोटो देख ली है। अब कहाँ है वो? पहले के समय में करोड़ीमल सक्सेरिया के बारे में सुना करते थे, लेकिन इन दिनों में ऐसे लोग कहाँ मिलते, इस तरह का समारोह कौन करता है? हेलो पिताजी, मैं। अरे बेटा, हम इस शहर में आए, तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला? माधुरी ने फोन करके बताया। जितनी तारीफ करे उतनी ही कम है, उसके भाई ने हमें खाना खिला कर ही छोड़ा। आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? अब दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, जल्दी से भाग लो। क्या बकवास कर रहा है, एक बार पीछे मुड़ के देख लो। किसी की सुमो उड़ के आ रही है, शूटिंग चल रही क्या यहाँ पर? शूटिंग नहीं है, उनके हाथ लग गए तो मारे जाओगे। अरे बाप रे, भाग यहाँ से, भाग जाओ। भाग रहे। अरे वो सब हमें मारने के लिए आ रहे हैं, हमें क्या पता क्यों? पूरी बात तो तेरा भाई बताएगा कि वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े। चल भाग जल्दी, भाग। अरे बहुत मुझसे नहीं भागा जाता, एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। अरे बोलो किधर है? बाप रे, भागो भागो भागो। अरे भाई कितना जल्दी भागो, अब नहीं उठा पाएंगे। अरे नालायक, मुझे छोड़ के जा रहे वो लोग, नहीं छोड़ेंगे, अब हम लोग मारे जाएंगे। अरे नहीं छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे। अरे इस उम्र में भागो भागो, पीछे आ रहे हैं। और जोर से दौड़ो, यहां पे कुछ चल रहा है, हम इसमें ज्वाइन हो जाते हैं। हां, अरे सुनो, उन लोगों से जान बचाने का यही एक रास्ता है, अपनी कमीज उतारो। ये ब्लेड, ये ब्लेड ले। इसका क्या करूं? ये इस तरह पकड़ लूं? क्या उसे, मेरे घरों पूते, ये सब मेरे बेटे की वजह से है। किस मुहूर्त में उसका जन्म हुआ था, पूरे बदन तो खून बह रहा है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाथ में ब्लेड है, सूर्य को तुमने ही जन्म दिया, ये उसी का नतीजा है। भाई लगता भाग गए, चलो। अगर कुछ देर और यहाँ रुकते तो हम मर ही जाते। चलो 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 चलो। अरे बाप, ऐसा लगता है खून के सागर में डुबकी लगाई है। कितना लीटर खून बह गया? इतना खून अगर चिरंजीत ब्लड बैंक में भी देते हैं तो उसके साथ अपनी एक फोटो भी। सही कह रहे हो भाई। किसी का फोन आया है। हेलो पिताजी, आप कहाँ हो? कहाँ हैं? अरे नरक लोग यहाँ से 10 कदम दूर है। पिताजी मैं पहले ही टेंशन में और आपको मजाक सूझ रहा है। ठीक ठीक बताइए, आप लोग कहाँ हो? ये जो काली माँ के मंदिर का रास्ता है उसी के सामने आए हम लोग। वहीं पर रहना, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। क्या रे, कि यहाँ भी किसी को मारना है क्या? पिताजी फालतू की बातें बंद करना, वहीं रहना। हाँ ठीक है, चलो चलो। हेलो, क्या मैं थाना इंचार्ज से बात कर रहा हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। सर आपके थाने के सामने मंदिर है? हाँ है। उसके सामने आपको चोरों की तरह घूमते हुए 3 आदमी दिख रहे हैं? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ 3 है। वो और कोई नहीं सर, पड़ोसी देश के आतंकवादी है। हाँ। आपके थाने को उड़ाने के लिए आए हैं। हाँ? आपके थाने को उड़ाकर यहाँ पे आतंक फैलाना चाहते हैं। क्या बोल रहे हो? हवलदार, बाबूजी यहाँ तो मुर्गों और बकरों की बलि चलाई जाती है, ऐसा मंदिर है। भाई ने यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा? वो यहाँ आकर नरबलि की प्रथा हमसे शुरू करेगा। नरबलि देने वाले आकर, कम ऑन मूव। भगवान ये सब क्या हो रहा है? सच बताओ, तुम लोग ISI के एजेंट हो? हम कोई ISI एजेंट नहीं है साहब। तो फिर अलकायदा गैंग के तुम तीनों हो? क्या सर, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या हम दिखने में टेररिस्ट लगते हैं क्या? क्या हम लोग चेहरे से आतंकवादी या बदमाश दिखते हैं? ऐसी बात नहीं है तो थाने के सामने क्यों खड़े थे? अब मैं आपको क्या बताऊं सर, हमारे भाई ने हमें वहाँ ठहरने के लिए कहा था। मतलब
वो भी आतंकवादी है क्या? करेक्ट सर, इस बार आपने सच कहा, हमको भी वो आतंकवादी लगता है। जब से उस नालायक का जन्म हुआ है तभी से हम दुख भुगत रहे हैं, उसकी वजह से मैंने कितने पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए। अच्छा, तो सबसे पहले किस ग्रुप ने ट्रेनिंग दिया, अलकायदा या अल जजीरा? किस तरह का मजाक कर रहे हैं, ना अलकायदा ना हलवा ना मैदा, हमारा आतंकवादियों से संबंध नहीं, आप समझते क्यों नहीं? अबे चुप नहीं इंस्पेक्टर। ए ईश्वर, आप महान, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला साक्षात भगवान, आप इनसे पूछिए हम किस तरह के लोग हैं। सर ये आतंकवादी हैं? अरे नहीं रे, ये आतंकवादी नहीं है, ये लोग तो मेरे रिश्तेदार हैं। तेरे को किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया। देखा, मर्यादावादी होने के कारण घर बुलाकर अन्न दान दिया और यहाँ आकर प्राण दान दिया। इंस्पेक्टर तेरे को और कुछ पूछने का तो घर आ जाओ। ओके सर, चलिए मास्टर। चलो सर। सर अगर आपके आने में जरा भी देर हो जाती तो हमारी तो बैंड ही बज जाती। बैठिए। ठीक है सर। पिताजी रुक जाइए, उस गाड़ी में मत बैठना। आ गए तुम, यही है हमारा नालायक बेटा, यही मुसीबत की जड़ है। आप उस गाड़ी में मत बैठना। चुप कर। ठीक वक्त पर आकर इन्होंने हमारी जान बचाई, अब तू वापस ले जाने की बात कर रहा है? तू कौन होता है हमें गाड़ी में ना बैठो कहने वाला? उस गाड़ी में बैठोगे तो मुश्किल में गिर जाओगे। तो इस गाड़ी की दुर्घटना होने दो, यहीं पर हमारी जान जाने दो, हम इस गाड़ी में जरूर बैठेंगे बस। हाँ। पिताजी एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो करना है कर लो। कौन है वो कमीना? उसके गले में जो निशान है उसे किसने किया पता है? तुमने किया ये सब? अब भी समझ में नहीं आया आपको? तुमने? बाबूजी अब पूरी कहानी समझ में आ गई। खत्म हो गया सब, जिंदगी की आखिरी चाबी भी पूरी हो गई। सर 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 एक बात कहे सर, गाड़ी में बैठ के जो बोलना है बोल। सर आप ईश्वरों के भी ईश्वर हैं सर। नहीं भाई, मैं आपके लिए यम धर्मराज। वो भी तो भगवान है सर। देखिए सर, आपकी दुश्मनी हमारे भाई से है। अगर उसको मारता तो आपका दिल टूट जाता ना। आपका सोचना ठीक नहीं है, आप जो सोचते हैं वैसे हमारे रिश्ते नहीं है। नहीं सर, उससे हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है सर। हाँ साहब ये सच है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। उनके बाबू जी है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं साहब, नहीं साहब, ये दोनों उसके भाई है, इन दोनों से हमारा। मैं तुम लोग के पूरे खानदान को खत्म करूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये क्या साहब, सही आदमी को तो छोड़ दिया। वो किधर जाएगा, अरे आपको बचाने के लिए आपके साथ ही रहेगा। क्या हुआ भाई? वो देखो उनका बेटा सूर्या। भागो भागो, चलिए भागो, आइए इस बस में बैठिए, जल्दी करिए, चलिए 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 बैठ जाइए इस बस में, आइए आइए पिताजी, आइए बाबूजी, चलिए आजा। पिताजी तुम क्या करते हो, किसी का पैर तोड़ते हो, किसी का सर फोड़ते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं ये चाहता हूँ माधुरी हमारे घर की बहू बने। सूर्या उसे साथ में ही लेके आना, तुमसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। जा जी, देरी होगी बेटा। वरदा। हाँ जीरो भाई। याकूब। नमस्ते भाई। सूर्या। यस सर। अरे रे 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 रे, क्या रे चिरकुट, क्या देख रहा है तू? तेरे सामने भगवती है, तेरा दिल दहल कर सीने से बाहर निकल आएगा। चारों तरफ देख, शिकारी कुत्ते के बीच में खरगोश तरह बैठा है तू। दौड़कर भागने की मत सोचना, हम एक के बाद एक तलवार निकाल कर तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तेरे शरीर से खून पानी की तरह बहना शुरू हो जाएगा। कुछ बोलना, अबे बोलना। ओके, तुम सब मिलकर मुझे मारना चाहते हो मुझे पता है, लेकिन मरने से पहले मैं कम से कम 10 लोगों को लेकर मरूंगा, और उन 10 लोगों में सबसे पहला नंबर तुम्हारा होगा। ए!
मारे किस तरह, किस तरह इसको मारना। इसको देखो, ये वो नहीं है जो मरेगा। इसकी आंखों में बहुत जुनून है, इतना सा भी मौत का खौफ नजर नहीं आता। इसको तो तड़पा के मारूंगा मैं। शाबाश शाबाश, तेरी हिम्मत और बहादुरी को देखकर मेरे को अच्छा लगा। तुझे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आईने में मैं अपने आप को देख रहा हूं। अब तक मैं ही अपने आप को हिम्मत वाला समझता था। चल ठीक है, मैं तेरे को नहीं मारूंगा, तू मेरे को मत मार। एक सीधा सादा छोटा सा मजेदार एक लकी गेम खेलेंगे। अगर भाग्य के सहारे तू जीत गया तो मेरी बहन से शादी करवाऊंगा, और अगर तू हार गया तो मेरी बहन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तेरे को जाना होगा। मंजूर? तुम इतने प्यार से पूछोगे और मैं ना कर दूंगा? मेरे प्यार के खातिर तुमसे खेलने के लिए मैं तैयार हूं। पेड़ों के बीच हमारा खेल होगा, बहुत आसान। हम दोनों आंखें बंद करेंगे, उन सबको छोड़कर देखो उधर वहां नजर आ रहा है वो लाल झंडा। जो सबसे पहले उस झंडे से आगे बढ़ जाएगा वही जीतेगा। क्या सोच रहा है? स्कूल के बच्चों जैसा खेल है ना, आज तुझे खिलाता हूं। उधर देख। डर लग रहा है। खेल शुरू करें। शाबाश, हारने के लिए तैयार हो जा। मेरे जीतने पर नाराज मत होना। अब तुझे इस शहर से जाना होगा, जाना होगा। मैंने कहा था तुम उससे नहीं जीत सकता, कहा था ना मैंने।
ए, तुझे डर नहीं लगता? मैं मानता हूं तू कभी हारता नहीं है क्या? जिंदगी में एक बार भी तू हारा है क्या कभी? मेरे को लगता है तू कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं। लेकिन मेरे को इस तरह हारना बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। तू नहीं बचेगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये देख, ये देख, देख, ये देख, 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 देख। मौत हूं मैं, तेरे को मौत दूंगा मैं। मौत से तुझे डर नहीं लगता ना? बोल। तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ने भेजा और तेरे को प्यार चाहिए। मेरी बहन से तू प्यार करता है क्यों? प्यार कर, प्यार कर, अब मौत से प्यार कर तू। जिंदगी और मौत की जंग हम दोनों के बीच होगी और कोई हम दोनों के बीच नहीं आएगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे। रुक जा तू। भाई, भाई बनता है तू, डर ही तेरा हथियार है ना, आज मैं तेरे इस हथियार को।
ए, सब तुमको देखकर डर कर भागते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब प्यार से इज्जत से तेरे पास आएंगे सब। यही है सच्ची विजय।